तो चलिए, जैसे देख रहे थे आप लोग, बहुत शानदार कबूतर है भाई के पास, और बहुत बहुत मुबारक आपका शौक़ भी आप लोगों को। और अगर किसी को चाहिए इसके अंदर से तो आप टुकड़ी वगैरह अरेंज करके देंगे उन लोगों को। वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज मोइनबाग ईदी बाज़ार में, और एक शौक़ बतलाने वाला हूँ मैं कबूतरों का यहाँ पर। ये नॉट फॉर सेल है, लेकिन जो शौक़ है बहुत पुराना शौक़। यहाँ के जो ओनर है उनसे भी हम मुलाकात करेंगे और बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कौन सा एरिया है ये, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ईदी बाज़ार। ईदी बाज़ार है, ईदी बाज़ार अकबर नगर। अच्छा, और आज कबूतरों का शौक़ बतलाने वाले हैं। जी हाँ। यानी नॉट फॉर सेल है, लेकिन सिर्फ जो शौक़ है आपके पास वो बतलाएंगे। तो कौन से ब्रीड में कबूतर है आपके पास? हमारे लालबंग चोटियाला है जी, है गुजरातिया है, रंगीन शौकत। भाई सबसे पहले आपके नाम का तारुफ कराइए। मेरा नाम देखो मोहम्मद जफर है। मोहम्मद जफर भाई, कब से कर रहे हैं आप शौक? ये हमारे ताया का शौक था। अच्छा, यानी साल से शौक है, खानदानी बहुत लंबा टाइम। जी हमारे और एक भाई है शकील बाबा, ईदी बाजार में जी एरिया में हमला ही कपड़ा पालते थे पहले। अच्छा, और ईदी बाजार पालते थे नहीं बल्कि अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जमाने से। जी तो और ये शौक आगे बढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह, इनो करेंगे हमारे फरजान है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान है, कौन से स्टैंडर्ड में आप, कौन सी क्लास में? सेवेंथ में है। अब चलिए, तो अब आप बतलाने वाले हैं। जी बता दीजिए। चलिए चलो। अच्छा, ये आपके बड़े भाई, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियासत। मोहम्मद रियासत भाई, टुकड़ी ना उड़ाते थे पूरी टुकड़ी। अच्छा, टुकड़ियां भी उड़ाते थे आपके पास? जी जी। टुकड़ी का शौक भी होगा भैया? अच्छा जी, तो अभी भी उड़ाते टुकड़ियां आप लोग? अच्छा माशाल्लाह, तो कितने कबूतरों की टुकड़ी उड़ाते आप? 100 माशाल्लाह। अच्छा, चलिए इंशाल्लाह, तो एक बार देख लेंगे आपके कबूतर। ये देखिए, अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, बल्कि केजेस नहीं बोल सकते उसको आप, पूरा सेटअप है इसके अंदर। जितने भी ये ब्रीडर के ही है, ये यहाँ पे सिर्फ हम छोटियाँ सकते हैं। अच्छा, ये ब्रीडर से पूरे, ये ब्रीडर से तो पूरे पेड़ से ना, और बच्चों के साथ भी है? हाँ, बच्चों के साथ है। सिस्टर हूँ लालमन मुखिया ने छोटियाला 39 बबरे छोटियाला, सब जोड़े मिले हुए, सब जोड़े मिले गए जी। और भी बहुत सारे हैं सेटअप, देखिए आप यहाँ पर, यानी केजेस के साथ साथ यहाँ पर ये सेटअप भी किया गया, यानी बैठने करने के लिए। तो अभी इस रूम के अंदर कितने कबूतर है आपके पास? इसके अंदर ये कम से कम यहाँ 65 कबूतर है। 65 जी। चलिए और भी देखेंगे। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर फिर चार रूम है और सबके सेक्शन अलग अलग है। तो अभी सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जी हाँ। चलिए अंदर। दानादार है, रुको। अरे कबूतर ये देखिए आप, इसके अंदर कौन से हैं? इसके अंदर लालबन है, लालबन मुक्सी है जी, और ये पुरानी ब्रीडर जो आते हैं पुरानी। अच्छा, और लोग ज्यादातर देखना इसको पसंद करेंगे। जी यानी लखे मसक कले के नाम से भी मशहूर है, और पैंटेल से भी मशहूर है, यानी सब अलग अलग नाम है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो पैंटेल है या फिर लखे है, और ब्रीडर से ये भी ब्रीडर। अच्छा, इंडियन पैंटेल है, इंडियन पैंटेल है। और ये सारे देखिए आप, सभी ओपन है पूरे, यानी खुले है। दिल्ली वाले लाल बना है, घाघरे इसमें समझो, मेरा नाम छोटियाला। अच्छा, दिल्ली वाले लाल बना, तो ये जितने भी ब्रीड है ना जी, हम लोग अपने घर से बनाए इसमें ब्रीड है। ये इसमें दौड़ियाला भी है ना? नहीं, ये अबलग होती है, रेसिंग उम्र में आता है। कौन सा है? ये रेसिंग उम्र में आता है। अच्छा, पटे भी है। जी हाँ, पटे। और ये टुकड़ी में यूज करते हैं उड़ाने के लिए? जी हाँ, टुकड़ी में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर भी अंडे दे रहे हैं कबूतर? हाँ जी हाँ, यहाँ पे भी ब्रीडिंग चालू है, ये पूरा ब्रीडर सेक्शन है वो। अच्छा, ये भी ब्रीडिंग सेक्शन का अलग सेक्शन है, बच्चे भी है, और यहाँ देखिए आप प्रूफ अंडे भी है, बहुत प्यारा कलेक्शन है। अच्छा, ये भी घर की ब्रीड है? हाँ, घर की ब्रीड है। चलिए नेक्स्ट, फिर दूसरे रूम में देखेंगे। सेक्शन है, और ये सेक्शन में कौन से हैं? ये रेसर है पूरे, रेसर। हाँ रेसर। अच्छा, यहाँ पर अंडे वगैरह भी है, ये जितना भी रेसर की ब्रीडिंग के लिए है। सारे ब्रीडर्स है और तकरीबन सभी के अंदर अंडे हैं यहाँ पर। लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस,
अच्छा ये पूरे मिक्स है हम लोग ने जी, लॉन्ग के अलग पेड़ है, शॉर्ट का अलग है, अलग अलग पेड़ से हम लोग ने जी ब्रीडिंग चालू है। इसके जो हम कबूतर लेके टुकड़ी में उड़ाते हैं। अच्छा तो अभी एक टुकड़ी उड़ा के बतलाएंगे भी आप। जी हाँ। नेक्स्ट फिर यहाँ पर एक दूसरा रूम है और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग घर के जो बच्चे रहते हैं। अच्छा ये सारे पठों का सेक्शन है। पठों का सेक्शन है जी। और जो हम लड़ाई के पकड़ते करते कबूतर उसको भी अलग रख देते ताकि बीमारी ना आए। अच्छा यानी क्वारंटाइन रूम भी यही है। क्वारंटाइन रूम भी यही है। बहुत अच्छी बात है। यानी सभी मिक्स ब्रीड से इसके अंदर पट्टे पूरे यहीं रहेंगे। घर की ब्रीड भी और जिसके हम पकड़ते हैं लड़ाके करके जी नहीं डालते। अच्छा और अभी खास जो टुकड़ी उड़ाने वाले हैं वो बतलाऊंगा मैं आप लोगों को। बस ये देखिए टुकड़ी कबूतर से लड़ते सुबह। अच्छा यानी उसमें मिक्स हो जाते हैं। उसमें लड़ते कबूतर जाके हमारे। अच्छा जी हाँ। यानी आगे जो झुंड दिख रहा है इसके अंदर जाके मिल जाते हैं। हाँ, और उसमें से फिर कुछ चुरा के ले लेके भी आ जाते हैं। हाँ, ले लेकर भी आ जाते। ये देखिए आज ये एक बहुत ही शानदार शौक है और बहुत पुराना ये जाके मिक्स हो जा रहे हैं उसके अंदर। और ये देखिए आप ये होता शौक यानी एक जमाने का शौक है और सब मिलके एक एंजॉयमेंट होता है इसके अंदर। अब ये सब मिक्स हो गए ना। इसमें सब मिक्स हो गए। एटलीस्ट एक दो तो लेके आते ही होंगे कैसे। आराम से इदा। अच्छा जो सामने की टुकड़ी उड़ी कुछ आपके भी जाते वहाँ पर। हाँ जाते हैं जाते फिर हमारे। अच्छा जी हाँ आगे। अच्छा कितनी देर उड़ते कंटिन्यू है। कंटिन्यू नहीं रोक रोक कर हम लोग कम से कम दो घंटे का शौक। नहीं एटलीस्ट अगर आप एक बार उड़ाए तो कितनी देर तक ऊपर रहते आसमान में। यहाँ से तालाब कट्टा टच कर लेते। अच्छा करके फिर वापस आए थे। देखिए आप वापस आ भी गए। ये देखिए आप यानी नीचे बुलाने का तरीका है। और ये आ गए सभी। आओ ए आला आओ आओ तो चलिए जैसे देख रहे थे आप लोग बहुत शानदार कबूतर है भाई के पास और बहुत बहुत मुबारक आपका शौक भी आप लोगों को। और अगर किसी को चाहिए इसके अंदर से तो आप टुकड़ी वगैरह अरेंज करके देंगे उन लोगों को या फिर कैसे ब्रीड पालना करना है या कुछ। शौकीन आए तो बराबर देंगे। शौकीन आए तो करेंगे यानी नॉर्मली सेल के लिए नहीं है ये तो शौक के लिए बतलाया। शौकीन है तो करेंगे। फिर आपका नंबर डालना मुश्किल हो जाएगा। चलिए इसी तरह और भी बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोगों को बतलाऊंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।